फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और आप सबका बहुत स्वागत है ममाज वर्ल्ड में। आज का वीडियो है रेसिपी वीडियो एंड आज की रेसिपी है वेल दाल खिचड़ी फॉर बच्चे या फॉर बेबीज। तो ये बहुत कॉमन रेसिपी है हमारे इंडिया में और इसको बनाने का सबका अपना अपना अलग स्टाइल है एंड डेफिनेटली मेरा अपना अलग स्टाइल है एंड आई थॉट आई शुड शेयर माई स्टाइल ऑफ वेल दाल खिचड़ी विथ यू ऑल। सो ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज के वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ममाज़ देखते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनानी है वेज दाल खिचड़ी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है कुछ कटी हुई सब्जियाँ और राइस और दाल को मैंने वॉश करके लिया है। सब्जियों में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, टमाटर, गाजर। गाजर को हमें थोड़ा पतला कुछ इस तरह से काटना है ताकि अगर बच्चे के मुंह में आता है तो बच्चा अच्छे से उसको खा सके। मटर और एक आलू यहाँ पे मैंने लिया है जिसको मैंने अगेन छोटा काटा है। इसके अलावा क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड्स। यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी दाल चावल जिसमें 1:3 का प्रोपोर्शन लिया है। दाल कम होगी, चावल ज़्यादा होगा। इसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और घर पे बना हुआ गाय के दूध का घी। मैं अपने बेबी का फूड जो है वो जिसको भी फ्राई करना है वो मैं घी में फ्राई करना प्रीफर करती हूँ, ऑयल में नहीं। इस रेसिपी को हम बनाएंगे कुकर में, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून घी कुकर में ऐड करूँगी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्यूमिन मस्टर्ड सीड्स और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां हमें थोड़ा थोड़ा भून लेनी है, थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेनी है ताकि जल्दी पके। तो सबसे पहले हम डालते हैं प्याज, उसके बाद हम टमाटर ऐड कर देते हैं। प्याज टमाटर अच्छे से रोस्ट होने के बाद आप चाहे तो सारी सब्जियां एक साथ डाल सकते हो। मैं 1 by 1 सब्जियां डाल के उसको रोस्ट करना प्रीफर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालूंगी आलू। आलू को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटर एंड देन कैरेट और सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा टाइम उसको पकने देंगे। अब हम इसमें कैरेट डाल देंगे। वेज दाल खिचड़ी एक ऑथेंटिक रेसिपी कहूँगी मैं इंडिया की। यहाँ पे हमें जब भी कुछ और खाने का नहीं मन करता है तो हम वेज दाल खिचड़ी बनाते हैं और हमें वो अच्छी लगती है, सबको, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इसके थ्रू आप बहुत सारे वेजेस बच्चों को दे सकते हो रेगुलर डाइट में। आप ये रेसिपी रेगुलर एक टाइम के लिए बना सकते हो या अल्टरनेट डे भी बना सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मेरा बेटा जो है अभी थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करता है तो मैंने थोड़ा सा होममेड स्पाइस भी इसमें डाला हुआ है। तो इसको हम अच्छे से पकने देते हैं थोड़ा टाइम। अगर हम थोड़ा सा सब्जियों को पका के लेते हैं, क्योंकि राइस दाल बहुत जल्दी पक जाता है तो सब्जियां बाद में कच्ची नहीं रहेगी, अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे तो फिर वेज दाल खिचड़ी तुरंत बन जाएगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है, हम इसको थोड़ा टाइम ढक के रखेंगे ताकि जल्दी पक जाए। तो सब्जियां ऑलमोस्ट 50% पक चुकी है। अब हम इसमें राइस और चावल और दाल जो हमने वॉश करके रखा है, मैंने 2-3 बार उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी और इनको सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं अभी और थोड़ा पानी डाल रही हूँ। नॉर्मली हम राइस के लिए जितना क्वांटिटी लिया है उससे डबल पानी डालते हैं, लेकिन वेज दाल खिचड़ी के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, यानी कि
दो टाइम्स ज़्यादा पानी डालना है, और अगर हम बेबी फूड बना रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बॉईल होने देंगे। उसके बाद में हम उसको ढक्कन लगा के सीटियाँ उसकी बना करेंगे। तो मैं बता रही थी बेबी फूड अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा डाल सकते हो। बहुत ड्राई ड्राई दाल खिचड़ी जो है बच्चों को पसंद नहीं आती है, ज़्यादातर बच्चों को। सो अभी इसमें बहुत अच्छा बॉईल आ चुका है। अब हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और हमें इसकी 3 विसल्स करनी है। तीन सीटियाँ लगानी है और उसके बाद में आपकी वेज दाल खिचड़ी एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट विसल है। तीन विसल्स हो चुकी है और अभी ये ठंडा भी हो चुका है, तो मैंने इसको ओपन किया। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये वेज दाल खिचड़ी रेडी हो चुकी है और बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।